अंक ज्योतिष क्या कहता है और अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन क्या है आपके सामने रखूंगी। न सिर्फ उन आंकड़ों को रखूंगी बल्कि उनसे चर्चा भी करूंगी, चर्चा कई ऐसे सवालों को लेकर जो उनके आकलन पर आधारित आपको नजर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश और उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है, उनका आकलन क्या कहता है। बीजेपी को 261 से 288 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को नतीजों में 76 लोकसभा सीटों का अनुमान, और ये आकलन एवं भविष्यवाणी शाश्वत सत्य नहीं है लेकिन ये आकलन, ये नंबर्स अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश के सामने आए हैं। बीजेपी को 261 से 288 सीटें और इसमें 5% मार्जिन ऑफ एरर के साथ नजर आती है। कांग्रेस को 76 सीटें देखने को मिली हैं अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश का यह आंकलन। टीएमसी को 30, वाईएसआरसीपी को 17 सीटें इसमें देते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए को जा रही है 300 सीटें जिसमें बीजेपी के पास है 261, शिंदे की शिवसेना को 6, जेडीयू को 13, LJPR को 4, RLD को 2, TDP को 5, JDS को 2, अपना दल S को 2, NCP अजित को 3, RSP को 1 और NPP को 1। ये सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस को 3 सीटों का आकलन सामने देखने को मिल रहा है, अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश की तरफ से आंकड़े सामने आए हैं और उनका आकलन इन अंकों के जरिए किसकी हार किसकी जीत को दिखाता हुआ नजर आ रहा है संभावित, क्योंकि नतीजों से पहले का यह पूर्वानुमान है क्योंकि नतीजे 4 तारीख को सबके सामने होंगे लेकिन उससे पहले नतीजों का यह पूर्वानुमान अंक ज्योतिष डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी के साथ सामने देखने को मिलता है।